हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज मैं आपको हिंदी की एक कहानी सुनाऊंगी, हाथी और तोता। तो आइए शुरू करते हैं। हाथी और तोता। एक समय की बात है, एक घर में एक तोता एक पिंजरे में बंद रहता था। वो पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करता था। एक दिन उसने पिंजरा तोड़ा और वो उड़कर खुले आसमान में उड़ गया। उड़ते उड़ते वो जंगल में जा पहुंचा। जंगल में जाकर उसने बहुत मीठे मीठे फल खाए। वो कभी इस पेड़ पर बैठता तो कभी दूसरे पेड़ पर बैठता। उसे जंगल का वातावरण बहुत अच्छा लगने लगा। तभी एक दिन उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक हाथी आंखें बंद करके आराम से सो रहा है। तोते के मन में एक तरकीब आई और वह उड़कर हाथी के सिर पर जाकर अपनी चोंच मारने लगा। जैसे ही उसने तोते ने हाथी के सिर पर अपनी चोंच मारी, हाथी की आंखें खुल गई और तोता वहां से उड़कर वापस पेड़ पर जा बैठा। तभी हाथी बोला, कौन है? कौन मुझे परेशान कर रहा है? तोता बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ये तो मजाक है। और वो जोर जोर से हंसने लगा। हाथी फिर से आंखें बंद कर सो गया। तोता फिर से उड़ा और हाथी के सर पर फिर से अपनी चोंच मारने लगा। हाथी की फिर से आंख खुली और हाथी फिर से बोला, तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों तुम मुझे बार बार परेशान कर रहे हो? तोते को यह करने में बहुत मजा आने लगा और वो जोर जोर से हंसकर बार बार तोते हाथी के सर में अपनी चोंच मारने लगा। हाथी बहुत परेशान हो गया और वहां से उठकर चल दिया। चलते चलते हाथी सोचने लगा कि इस तोते को जरूर सबक सिखाना चाहिए। और उसके मन में एक तरकीब आई। चलते चलते हाथी एक तालाब के पास पहुंचा और उसने तालाब में अपना पूरा शरीर डुबा लिया, सिर्फ अपना सर बाहर रख लिया। यह देखकर तोता बहुत जोर जोर से हंसने लगा। अरे ये हाथी एक छोटे से तोते से डर गया, देखो इतना बड़ा जानवर मुझसे डर कर पानी में छिप गया। और फिर से तोता उड़ा और हाथी के सर पर फिर से चोंच मारने लगा। हाथी अपने पहले ही एक तरकीब सोच रखी थी। उसने अपनी सूंड में बहुत सारा पानी पहले से ही भर रखा था। जैसे ही तोता हाथी के सर पर आकर चोंच मारने लगा, हाथी ने उस पर अपनी सूंड का पानी डाला और तोता जब पानी में जा गिरा और डूबने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। हाथी को उस पर दया आ गई और उसने उसे निकालकर जमीन पर रख दिया। तब तोते को अपनी गलती का एहसास हुआ। हाथी भी वहां से निकलकर चला गया। तोता अब बहुत पछताने लगा और अपनी गलती को एहसास करने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मजाक करने की एक हद होती है। यदि हम दूसरों के द्वारा आदर चाहते हैं तो पहले दूसरों का आदर करना।